Good morning students, today's lecture we are going to start new unit, that is unit 4, our environment. Our means hamara, our environment means aas paas ka mahol. So see, direction and time. See, environment means kya, hamare aas paas ki hawa hai na. So उसमें क्या आता है, डायरेक्शन एंड टाइम. सो नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 70. डायरेक्शन मीन्स क्या, दिशाए. डायरेक्शन मीन्स दिशाए, यानी कि ये डायरेक्शन से सनराइज होता है, दूसरे डायरेक्शन को सन सेट होता है, दैट इज अ डायरेक्शन. आप बताते हैं कि इधर के लेफ्ट साइड को क्या है, मंदिर है. राइट साइड को क्या है, स्कूल है. वेस्ट को क्या है, माउंटेन है. ईस्ट को क्या है, सन है. जो भी है, दैट इज अ डायरेक्शन. सो इन दिस डायरेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 70. नाउ लुक एट दिस पेज, यूनिट 4, आर एनवायरमेंट. Directions and time. Direction means दिशाए. देखो हाँ, आपका जो घर है, आपके घर के पास आप बता सकते हैं कि हमारे राइट साइड में क्या है, इस साइड से ईस्ट में क्या है, गार्डन है, वेस्ट में क्या है, हॉस्पिटल है, और ये आप सब बता सकते हो. दैट इज़ अ डायरेक्शन. सो वी नो दैट, हमें वो पता है कि सन कहाँ से राइज होता है. डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन से होता है, ईस्ट. सो वी नो दैट द सन राइजेस इन वन डायरेक्शन एंड सेट इन द अपोजिट डायरेक्शन. आपको पता है कि हर दिन सन एक डायरेक्शन से क्या होता है, राइज होता है, और उसके अपोजिट साइड से क्या होता है, सेट होता है. सो दैट इज अ सनराइज एंड सनसेट. सूरज उगना मीन्स सनराइज और सूरज डूबना मीन्स सनसेट. वेरी गुड. सो देखो अभी सन जो आपके घर पे, आपको ऑब्जर्व करना है कि जिस डायरेक्शन से सनराइज होता है, सुबह उठना है आपको. उठने के बाद आपको क्या करना है, घर के दरवाजे के पास आना है और देखना है कि सूरज कौन से साइड से राइज हुआ है. सो जो साइड से सूरज उगता है वो साइड को आपको क्या कहना है, ईस्ट. जो साइड से आपको सूरज उगता है वो साइड को आपको क्या करना है, ईस्ट कहना है. मीन्स जो साइड से, ऑन विच डायरेक्शन सन राइजेस, जो डायरेक्शन से सन राइजेस होता है वो डायरेक्शन को कहते हैं ईस्ट. व्हाट साइड, ईस्ट. यानी कि जो साइड से सूरज उगता है वो डायरेक्शन को कहते हैं ईस्ट. सो कौन से डायरेक्शन से सूरज उगता है, यस ईस्ट. एंड सन सेट, देखो अभी सन उगने के बाद, सूरज उगने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर आता है और कौन से डायरेक्शन से जाता है फिर, वैसे. इट मीन्स सूरज हिलता है क्या, नो. वो आपको आगे ज्योग्राफी में, साइंस में आपको सिखाने वाले हैं कि सूरज एक ही जगह पे रहता है, सिर्फ हमारी जो अर्थ है वो घूमती रहती है. इसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि सूरज एक जगह से दूसरी जगह जाता है. सो सन राइज से सन इस डायरेक्शन से सन राइज होता है और वेस्ट डायरेक्शन को क्या होती है, सन सेट होता है. क्या होता है, सन सेट होता है. सी डायरेक्शन इन द लाइन और कोर्स अलोंग विच समथिंग मूव्स लाइज और फेसेस. देखो अभी डायरेक्शन कैसे ढूंढना है आपको, आपको देखो विच समथिंग मूव्स लाइज और फेसेस. सी देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस. कितने डायरेक्शन है टोटल, फोर. दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ
एंड साउथ, वेरी गुड। सो ये क्या है, फोर मेन डायरेक्शंस है। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। देखो अभी लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। देखो अभी आपको सीखना है कि डायरेक्शन कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढते हैं। फिर वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आप पहले से सीखे कि सन कहाँ से उगता है। यस, सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट साइड से सन उगता है। दिस मीन्स दैट व्हेन वी फेस टूवर्ड्स द राइजिंग सन वी आर फेसिंग द ईस्ट एंड बिहाइंड अस इन द वेस्ट। सी वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम आप पहले से ही सीखे कि सन सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है। दिस मीन्स इसका मतलब है हम अगर वी फेस टूवर्ड द राइजिंग सन, हम अगर उगते सूरज की तरफ अगर मुंह करके हम खड़े रहते हैं, सन द सन वी आर फेसिंग द ईस्ट एंड बिहाइंड अस द वेस्ट। अगर हम सूरज उगने के डायरेक्शन से हम मुंह करके खड़े रहते हैं तो हमारे सामने जो होता है वो ईस्ट, और हमारे बैक साइड में बिहाइंड क्या होता है, वेस्ट, दैट इज अ वेस्ट डायरेक्शन। टू आर लेफ्ट, देखो अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड को क्या होता है, लेफ्ट साइड को क्या होता है, नॉर्थ होता है। एंड आर राइट साइड इज साउथ। देखो आज आपको ये ट्राई करना है कि सुबह सुबह घर जाके कल आपको क्या करना है, घर आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ के उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहना है और आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने हैं। सो देखो सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहते हो तब वो डायरेक्शन होती है ईस्ट, और उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है वेस्ट, और आपके राइट हैंड को होता है साउथ एंड लेफ्ट हैंड को डायरेक्शन होती है नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे यू हैव लर्न फोर मेन डायरेक्शन नेम्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी हैव लर्न दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द फोर मेन डायरेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू राइट सम हार्ड वर्ड्स। Now, let us read hard words with me. Our environment. See, hard words. environment. Environment. DIRECTIONS. 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 OPPOSITE. 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 EAST. East. EAST, East. WEST, West. NORTH, North. SOUTH, South. South. TOWARDS, Towards. TOWARDS, towards. BEHINDE, behind. BEHINDE.
have to write and learn this sentence, these spellings 10 times. Okay, students? And today we have to read the page number 70. We have to read page number 70. Okay, students? See you. Have a nice day.